हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मेरा काफिला निकल गया है अकेले का और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आ रहा हूँ इंडिया। तो अभी आप देख सकते हैं मैं बैकपैक के साथ जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, वहाँ से डायरेक्ट लाइन लूँगा एयरपोर्ट। तो ये जो जर्नी है मेरा इंडिया का, अभी जो जा रहे हैं वापस मतलब इंडिया जा रहे हैं एक महीने के लिए, बहुत ख़ास है क्योंकि मेरे इस जर्नी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये मेरा ऑल ऑफ द सडन प्लान है जाने का और ये एक सरप्राइज है मेरे घर वालों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज होने वाला है सबके लिए, मेरे लिए भी। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ का सबसे अच्छा चीज़ मेरे लिए ये है, ये मेट्रो स्टेशन, ये पिकेडिली लाइन है और यहाँ से एयरपोर्ट का डायरेक्ट जाती है ये मेट्रो। तो मुझे बस एक बार मेट्रो में बैठो और सीधा एयरपोर्ट, तो ये सबसे अच्छा चीज़ है मेरे लिए। बुरा चीज़ ये है कि इसमें स्टेयर से जाना पड़ता है, एलिवेटर नीचे है। चलते हैं, बहुत पुराना है ये स्टेशन, बहुत ही पुराना है। देख सकते हैं पूरा कबाड़ा टाइप का है, देख सकते हैं। आते के साथ ट्रेन भी आ गया, सही है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी उतरे टर्मिनल 4 पे और डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर। वेलकम टू टर्मिनल 4, ये है लिफ्ट टू डिपार्चर। तो ये है कतर एयरवेज का बिजनेस क्लास और ये इकोनॉमी क्लास और ये है इंटरटेनमेंट सिस्टम इसका। तो अभी इस पे मूवी लगा के देखते हैं, पूरा सफ़र एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं कतर लैंड करने के बाद। मूवी प्लस ये कतर एयरवेज का मील्स बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये है कतर, कतर का खूबसूरत एयरपोर्ट। मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो पूरा एयरपोर्ट आपको दिखाते हैं, बट जो भी है एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है। देखिए ये पूरा कतर का अंदर है इमिग्रेशन, मुझे जाना है C30। बहुत सही है ये जगह, टाइम के कमी के कारण मुझे जल्दी जल्दी निकलना पड़ रहा है। ये देखिए ये देखिए एनफ स्पेस है यहाँ बैठने के लिए। तो बस 20 मिनट है, तो 20 मिनट के अंदर फिलहाल ये लॉन्च है इधर। इसमें मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, उससे ट्राई करते हैं जाने का, देखते हैं अंदर अलाउ करता है कि नहीं। ये कार्ड दिया है, सही है। मैं अपने क्रेडिट कार्ड का यही फायदा है, कहीं पे भी जाके कोई भी लॉन्ज या कोई भी कुछ भी फैसिलिटी हो एयरपोर्ट पे उसको यूज कर सकते हैं। तो क्विक बात ले लिए टाइम मिला, सब कुछ था इसमें, टॉवल वगैरह सब दिया हुआ था, शावर के लिए सब शैम्पू कंडीशनर बॉडी वॉश सब दिया हुआ था, तो सोचे चलो यूटिलाइज कर लेते हैं, अच्छा लगा। सही ऑप्शन है ये, अगर आप लंबा ट्रिप कर रहे हैं तो ब्रेक लेके यहाँ पे शावर वगैरह कर सकते हैं, लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत सही है। तो बोर्डेड, अब चल दिया है यहाँ कतर से कोलकाता, तो मिलते हैं आपसे पूरा कोलकाता पे लैंड करके।
जर्नी काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अब कोलकाता में लैंड कर रहे हैं, पूरा लैंडिंग देखिए। ये है कोलकाता एयरपोर्ट। अभी यहाँ पे सुबह का 4 बज रहा है, 4 बजे मैं लैंड कर गया। आप देख सकते हैं पूरा कोलकाता एयरपोर्ट दिख रहा है अभी, यहाँ पूरा लाइटिंग वगैरह अच्छा दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अपने देश के धरती पे कदम पड़ते ही दिल खुश हो जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और अभी यहाँ से इमिग्रेशन प्रोसेस चलेगा। ये है मेरा बैग, अभी बैगेज लेके बाहर निकलते हैं और आपसे बात करते हैं। तो फिलहाल मैं कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर निकल गया हूँ, अभी यहाँ से हावड़ा जाएंगे और वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। ये है खूबसूरत सा कोलकाता एयरपोर्ट, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काफ़ी अच्छा है। सुबह सुबह भी काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे। ये देखिए पूरा एयरपोर्ट का व्यू यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही है। तो अभी मैं हूँ कोलकाता टैक्सी में और कोलकाता की सड़कों को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए बिग बेन, लंदन के बिग बेन का कॉपी किया है यहाँ पे। ये मेट्रो है कोलकाता का। तो ये जो हवाई एयरपोर्ट है ये काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है एयरपोर्ट का। रोड काफ़ी डेवलप्ड भी है और सुबह सुबह है इसलिए कोई ट्रैफिक नहीं है, तो बिना ट्रैफिक के हम लोग जा रहे हैं मस्त एंजॉय करते हुए, कोलकाता की सड़कों का आनंद उठाते हुए जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सफ़र है ये, देख सकते हैं पूरा रोड ही खाली है, तो हमें जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, काफ़ी मस्त है।